101,101 रुपए का इनाम एक बार सम्राट ने रखा, पर क्यों रखा जानना है तो इस कहानी को सुने। बहुत सालों पहले की बात है, एक बहुत महान सम्राट था, पर उसकी एक टांग और एक आंख नहीं थी, पर फिर भी वो बहुत पराक्रमी था और लोकप्रिय था। एक दिन सम्राट ने अपनी इच्छा जाहिर की। उनको खुद का चित्र बनवाना था, तो जो भी सम्राट का चित्र बनाएगा उसको 101,101 रुपए का इनाम मिलेगा। ये बात आग जैसे पूरे राज्य में फैल गई, पर इतना बड़ा इनाम होने के बावजूद भी कोई भी चित्रकार सम्राट का चित्र नहीं बना रहा, क्योंकि सम्राट की शारीरिक कमियां चित्र में जरूर आएंगी, जिससे सम्राट नाराज हो सकते हैं और शायद सजा भी दे सकते हैं। इसलिए सारे चित्रकार डर रहे थे। लेकिन अचानक एक युवा चित्रकार राज्यसभा में आता है और सम्राट का चित्र बनाने का वादा करता है। कुछ दिनों बाद चित्र बनकर पूरा हो जाता है, लेकिन सारे लोग राज्य में ये फैला देते हैं कि शायद यह चित्र अच्छा नहीं होगा और राजा इसको फांसी की सजा देंगे। पर जब चित्र के ऊपर से पर्दा हटता है तो चित्र देखकर सारे हैरान हो जाते हैं, सारे चौंक जाते हैं, क्योंकि चित्र में सम्राट एक घोड़े पर बैठे हुए होते हैं और वह एक आग बंद करके धनुष बाण से निशाना लगा रहे होते हैं। इस चित्र में सम्राट की कमियां नहीं दिख रही और चित्र देखकर सम्राट बहुत खुश होते हैं, जिससे कि इनाम और शाही चित्रकार का पद सबसे कम उम्र में नौजवान चित्रकार को प्रदान किया जाता है। इससे यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा पॉजिटिव और अच्छी चीजें देखनी, सोचनी और सुननी चाहिए, जिससे कि परिणाम भी वैसा ही होता है।